सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज हम दोबारा से पोकेमोन के बारे में टॉप 10 डार्क फैक्ट्स को देखने वाले हैं। सारे फैक्ट्स काफी नए और डार्क होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, वाइल्ड ट्रेड पोकेमोन। तो पोकेमोन वर्ल्ड में ऐसे काफी सारे पोकेमोन हैं जो कि ट्रेडिंग के थ्रू इवॉल्व होते हैं, जैसे कि अलकाज़ाम, मचैम्प और गोलम। इसके लिए आपको अपना पोकेमोन दूसरे ट्रेनर को देना होता है, तब जाके वो इवॉल्व हो जाता है। बट क्या आपने नोटिस किया है, हमें फुली इवॉल्व ट्रेड होने वाले पोकेमोन भी वाइल्ड में मिल जाते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि ये पोकेमोन बिना ट्रेनर्स के इवॉल्व नहीं हो सकते। तो इसके ऊपर पोकेमोन फैंस ने काफी सारे थियोरीज बनाई है, जैसे कि उन पोकेमोन को उनके ट्रेनर्स ने रिलीज कर दिया है या फिर उन पोकेमोन की असली ट्रेनर अब मर चुके हैं, इसीलिए वो पोकेमोन ऐसे ही भटक रहे हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा क्रीपी है बट सच भी लगता है क्योंकि ऐसे पोकेमोन बिना ट्रेनर के इवॉल्व नहीं हो सकते। फैक्ट नंबर 2, ये एक काफी बड़ी मिस्ट्री है कि क्या घोस्ट टाइप पोकेमोन असलियत में घोस्ट हैं। इसके ऊपर काफी सारी थियोरीज बनी है जिसके अकॉर्डिंग हाँ, घोस्ट टाइप पोकेमोन असलियत में घोस्ट होते हैं। जैसे कि आपको क्लिफेबल और गेंगार पोकेमोन के थियोरी के बारे में पता होगा, ये दोनों पोकेमोन शेप और साइज में काफी ज्यादा सिमिलर है। तो ऐसा माना जाता है कि जब एक क्लिफेबल मरती है तो वो घोस्ट टाइप पोकेमोन गेंगार में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जब वाटर और आइस टाइप पोकेमोन क्लोइस्टर मरता है तो उसकी रियल बॉडी उसके शेल से अलग हो जाती है और वो घोस्ट पोकेमोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक गैस्टली। आप लोग देख सकते हो दोनों का फेस काफी ज्यादा सिमिलर लगता है। तो हाँ, ये थियरी भी काफी ज्यादा डार्क है। नंबर 3, जेनेट गलार में ग्लास्टीरियर और स्पेक्ट्रियर पोकेमोन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ग्लास्टीरियर एक आइस टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है, वहीं पर स्पेक्ट्रियर एक घोस्ट टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है। वेल, ये दोनों कैसे बने उसके बारे में एक काफी डार्क थियरी है। इस थियरी के अकॉर्डिंग एक गलारियन रैपिडैश एक बर्फीले जगह पर जाता है जहां पर काफी ज्यादा ठंड थी, वो रास्ता भटक जाता है और उसकी कोई हेल्प भी नहीं करता, जिस वजह से वो ठंड के वजह से मर जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से बर्फ में ढक जाती है, जिससे आइस टाइप पोकेमोन स्पेक्ट्रियर बनता है। वहीं पर मरने के बाद उसकी स्पिरिट बाहर निकल जाती है, जिससे वो स्पेक्ट्रियर पोकेमोन बन जाता है। वेल, ये पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि गलारियन रैपिडैश पोकेमोन स्पेक्ट्रियर और ग्लास्टीरियर से काफी सिमिलर लगता है। तीनों काफी सिमिलर चीजों पर बेस्ड है। गलारियन रैपिडैश यूनिकॉर्न पर बेस्ड है, वहीं पर स्पेक्ट्रियर और ग्लास्टीरियर हॉर्स पर बेस्ड है, और तीनों जनरेशन 8 गलार रीजन से बिलोंग करते हैं। तो हाँ, ये भी एक काफी ज्यादा डार्क चीज है। नंबर 4, स्टार्टर पोकेमोन। तो हर एक रीजन में 3 स्टार्टर पोकेमोन होते हैं जो कि ग्रास, वाटर और फायर टाइप के होते हैं। बट आपने नोटिस किया होगा कि पोकेमोन गेम्स के अंदर हमें स्टार्टर पोकेमोन सिर्फ और सिर्फ गेम के स्टार्टिंग में चूज करने मिलते हैं, उसके बाद हमें कहीं पर भी वाइल्ड में कोई भी स्टार्टर पोकेमोन देखने को नहीं मिलता। एनिमे के अंदर हमें कभी कभार वाइल्ड में स्टार्टर पोकेमोन देखने को मिल जाते हैं, बट फिर भी ये उतने ज्यादा नहीं है बाकी पोकेमोन के मुकाबले। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? वेल, इसके पीछे भी एक थियरी बनाई गई है जिसके अकॉर्डिंग स्टार्टर पोकेमोन बाकी नॉर्मल पोकेमोन के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए काफी लोग इनको पहले के टाइम में हंट किया करते थे, जिससे इनकी पॉपुलेशन काफी कम होने लगी और एक टाइम पर ये खत्म होने के पास आ चुके थे। बट फिर इनको बचाकर हर रीजन के प्रोफेसर्स के लैब में रखा जाने लगा और ट्रेनर्स को दिया जाने लगा। तो हाँ, ये थियरी उतनी भी ज्यादा लॉजिकल नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, कैटरपी एक बग टाइप का पोकेमोन है जो कि मेटापॉड में इवॉल्व होता है। हम सबको पता है कि मेटापॉड के पास सिर्फ एक ही अटैक होता है, इसका यूज करके वो अपना डिफेंस बढ़ाता है। इसके पास ऐसा कोई भी अटैक नहीं होता जो कि अपोनेंट को डैमेज दे सके। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये कोई अटैक करता है तो इसका जो ककून है वो फट जाएगा टाइम से पहले, जिससे मेटापॉड पोकेमोन मर जाएगा। इसलिए वो कोई भी अटैक नहीं कर पाता, जिससे उसका ककून ठीक टाइम पर इवॉल्व होकर बटरफ्री बन जाए। फैक्ट नंबर 6, गोरबिस। गोरबिस एक प्योर वाटर टाइप पोकेमोन है जेन 3 होइन रीजन से। देखने में ये एक काफी क्यूट पोकेमोन है, ये बिल्कुल भी डार्क नहीं लगती, बट इसकी पॉकेडेक्स एंट्री काफी ज्यादा डार्क है। इसके पॉकेडेक्स एंट्री के अकॉर्डिंग गोरबिस पानी के अंदर शिकार करती है। अगर इसको एक बार शिकार दिख जाता है तो ये अपने मुंह का यूज करके उस शिकार के अंदर का पूरा खून पी जाती है, जो कि सच में एक काफी ज्यादा डार्क और क्रीपी पॉकेडेक्स एंट्री है। नंबर 7, ग्लेली। ग्लेली एक प्योर आइस टाइप का पोकेमोन है जेन 3 होइन से, जो कि स्नोरेंट से इवॉल्व होता है। ये मेगा इवॉल्व भी हो सकता है मेगा ग्लेली में। वेल, ग्लेली की पॉकेडेक्स एंट्री भी काफी ज्यादा क्रीपी है, जिसमें लिखा हुआ है कि ग्लेली के पास बर्फ को कंट्रोल करने की पावर है, ये किसी भी चीज को बर्फ में जमा सकता है। इसी तरह से ये अपने शिकार को भी बर्फ में जमा देता है, जिसके बाद वो हिल नहीं सकता, और फिर ग्लेली उसको धीरे धीरे करके आराम से जिंदा खाता है, जो कि काफी ज्यादा डार्क पॉकेडेक्स एंट्री है।
फैक्ट नंबर है टैंगला। टैंगला एक प्योर ग्रास टाइप की पोकेमोन है जेन 1 कैंटो रीजन से। तो अगर आपने पोकेमोन गेम्स खेले हैं तो आपको पता होगा कि टैंगला हमें रूट 21 में मिलती है जो कि पहले टाउन के काफी ज्यादा पास है। तो एक फैन मेड थ्योरी बनाई गई थी इसके ऊपर जिसके अकॉर्डिंग टैंगला असलियत में पहले पहले टाउन से एक लड़का हुआ करता था जो कि पानी में गिर गया था। उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया जिस वजह से वो मर जाता है। मरने के बाद उसके ऊपर काफी सारे सी वीड चिपक जाते हैं और वो टैंगला पोकेमोन में बदल जाता है। इसीलिए अगर आप इस पोकेमोन को देखोगे तो इसके ऊपर वाइंस होती है जो कि बिल्कुल सीवीड के तरह दिखती है। ये असलियत में कैसा दिखता है और इसके अंदर कौन सा पोकेमोन है वो अभी भी हमें नहीं पता है। इवन ये शूज तक पहनता है। तो हाँ, ये चीज इस थियोरी को और भी ज्यादा सपोर्ट करती है। नंबर 9 फैंटम पोकेमोन। फैंटम पोकेमोन एक घोस्ट और ग्रास टाइप का पोकेमोन है जेन 6 कैलोस रीजन से। ये आगे जाके ट्रेड होने पर ट्रेवेनेट में इवॉल्व होता है। बट आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं बोलूं कि ये असलियत में पहले इंसान हुआ करते थे? हाँ, इसके पॉकेटेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसके अकॉर्डिंग कुछ बच्चे जंगल में जाते हैं जहां पर वो घूम जाते हैं, जिसके बाद उनको खाना पीना नहीं मिलता और कोई उनके मदद के लिए भी नहीं आता, जिसके बाद वो मर जाते हैं। फिर उनकी आत्मा फैंटम पोकेमोन बन जाती है। ये चीज इसके पॉकेटेक्स एंट्री में लिखी हुई है जो कि काफी ज्यादा क्रीपी और डार्क है। और फाइनली फैक्ट नंबर 10, हम सबको पता है कि पोकेमोन एक एनिमेशन है जिसको जापान में बनाया जाता है। एश, ब्रॉक और मिस्टी हम सबको देखते हैं, बट क्या आपको पता है टीम रॉकेट को एक्चुअली में पता है कि हम सब उनको देख रहे हैं? ऐसा पोकेमोन एनिमे के अंदर ही कंफर्म किया गया है, जहां पे पोकेमोन मूवी स्पेल ऑफ अननोन में म्याउथ बोलता है कि इस मूवी में हमें काफी छोटा और बेकार रोल मिला था, आई होप कि हमें अगले मूवी में काफी अच्छा रोल मिले। इसके अलावा इस सीन में टीम रॉकेट बोलती है कि इस शो को बच्चे देखते हैं, जो कि यार काफी क्रीपी और डार्क है, क्योंकि यार टीम रॉकेट को नहीं पता होना चाहिए कि वो शो या फिर एनिमे के अंदर है। वेल तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।